इल्म तो हासिल किया था रहबरी के वास्ते, धीरे धीरे रहजनी भी राहवर करने लगी। दुश्मनी करके नहीं महफूज रह पाएगा तू, हम सलू के दुश्मनी तुझसे अगर करने लगी। वतन पे आँच आए ये गंवारा हो नहीं सकता, वतन पे आँच आए गंवारा हो नहीं सकता, जो दुश्मन देश का है वो हमारा हो नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं जहां आजमगढ़ से शिवपाल, बदायूं से धर्मेंद्र, कन्नौज से अखिलेश, फिरोजाबाद से अक्षय यादव तथा मैनपुरी से प्रत्याशी हो सकती है डिम्पल यादव। अब ये सपा का जो सपा परिवार है कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेगा और उसके लिए क्या रंदा कहेगा, सुनते हैं। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारवादी सैफई परिवार, उसके नात रिश्तेदार चमचा चाटकारों से अगर कोई लोकसभा सीट लड़ने से बच जाए तो कृपा कर अखिलेश जी रंदा को बिना सोचे समझे अपनी पार्टी सपा से चुनाव लड़ा देना। वो भले चुनाव जीते या न जीते पर परिणाम वो 100% मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव वाला आपकी झोली में डाल देगा। मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस को हराने के लिए 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, उनमें से सभी चुनाव हारकर पटरा हो गए। इनमें से अधिकांश सपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके, लेकिन सपा अपनी फजीहत को छिपाने के लिए तुर्रा ये छोड़ रही है कि उन्होंने अखिलेश की कमलनाथ द्वारा अखिलेश अखिलेश कहकर की गई बेइज्जती का बदला ले लिया है। कांग्रेस को हार के बावजूद सभी दलों से ज्यादा वोट न सिर्फ 5 राज्यों में मिले हैं बल्कि तेलंगाना राज्य में उसने सरकार भी बनाई है। 5 राज्यों में कांग्रेस के करीब 246 विधायक चुनाव जीते हैं। उसे 4 राज्यों में ही 4,90,00,000 तथा भाजपा को 4,81,00,000 वोट प्राप्त हुए हैं। 3 राज्यों में जीती भाजपा से कांग्रेस को करीब 9,00,000 वोट ज्यादा मिले हैं। अखिलेश जी भाजपा की तरह अगर रंदा के पक्ष में ABM ने मदद कर दी तो वो भी माननीय सांसद हो जाएगा और 40% कमीशन व जनप्रतिनिधियों के संस्कार के अनुसार डकारने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। भले ही लोग रंदा को मशहूर शायर महफूज रहमानी की इस शेर से आलोचना करते हुए घूमे। इल्म तो हासिल किया था रहबरी के वास्ते, धीरे धीरे रहजनी भी राहवर करने लगी। दुश्मनी करके नहीं महफूज रह पाएगा तू, हम सलू के दुश्मनी तुझसे अगर करने लगी। बिल्कुल, रंदा ने परिवारवाद से कहा है, यानी कि अखिलेश यादव से कहा कि अगर कोई आपसे सीट बच गई हो तो रंदा को दे दे, क्योंकि रंदा भी चुनाव लड़ जाएगा और कम से कम उतनी सीटें दे देगा कि आप सम्मानजनक जीत महसूस करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इल्म तो हासिल किया था रहवरी के वास्ते, धीरे धीरे राजनी भी राहवर करने लगी, दुश्मनी करके नहीं महफूज रह पाएगा तू, हम सलू के दुश्मनी तुझसे अगर करने लगे। तो बिल्कुल रंदा ने जो ये शायरी कही है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि रंदा कहना क्या चाह रहा है। फिलहाल अगली खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि कश्मीर पर नेहरू ने ऐतिहासिक भूल की, POK हमारा, अब POK जो है वो हमारा है, उस पर क्या रंदा कहेगा, सुनते हैं। कश्मीर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह जी ठीक से तथ्यों व ऐतिहासिक जानकारियों का अध्ययन कर लेते फिर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर पर भूल के लिए दोषी ठहराते। आपकी करीब 9.5 साल से अधिक समय से केंद्र में सरकार है, आपने नेहरू जी की भूल को अभी तक क्यों नहीं सुधारा? आपने POK को भारत अधिकृत कश्मीर में क्यों नहीं मिलाया? क्या कश्मीर से सिर्फ धारा 370 हटाने से ही स्वतः POK भारत अधिकृत कश्मीर से जुड़ गया? वो तो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जो हर देशभक्त भारतवासी की नजरों में खंजर की तरह चुभ रहा है। नेहरू जी की कथित भूल सुधार करने हेतु आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को सैन्य कार्यवाही या कूटनीतिक राजनीति के रास्ते से वापस अब तक क्यों नहीं लिया?
क्या सिर्फ नेहरू जी को कोसने से पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय हो जाएगा? सिर्फ भाषणबाजी कर उन महापुरुषों का अपमान अमित शाह जैसे नेता करते हैं जिन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। कथित कड़ी पार जैसे नेताओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जिनका देश की आजादी में अमूल योगदान रहा है, वो देश के 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने तब इसरो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स व बड़े बड़े बांध बनवाए जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपके जन्म का वर्ष 1962 है। इसके पहले नेहरू जी देश के नवनिर्माण में इतनी महती भूमिका निभा चुके थे। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। अभी तक आप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात अच्छी भी नहीं लगती। कभी कभी नेहरू जी की आलोचना के बजाय थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया करो। इन्होंने लोकतंत्र बनाकर आप जैसे लोगों को चुनाव लड़ने व गृह मंत्री जैसे पद पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। गृह मंत्री जी, नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री नहीं थे जिनको लोग गाली देते हो, लेकिन आपके और हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र जी तो स्वयं चुनावी सभा में कहते घूमते रहते हैं कि विपक्षी लोग हमें 2.5-3 किलो गालियां रोज देते हैं। किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि समय सबका इतिहास लिखता है। आज आपका समय है, आप गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई को चरितार्थ करें। आपको किसने रोका है? तुम स्वतंत्र सिर पर ना कोई भावे मने करह तुम सोई। अभी चंद दिन नहीं बीते कश्मीर में सेना के 3 अधिकारी व 2 जवान शहीद हो गए। आपके प्रिय महोदय व आपके मुख से संवेदना के 2 शब्द भी नहीं निकले, जबकि पूरे देश को इस शहादत पर काफी दुख हुआ। देशभक्त रंदा ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की है कि वो कश्मीर पर चुनावी राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर पाक अधिकृत कश्मीर को चाहे कूटनीति से वापस लें और चाहे सैन्य कार्यवाही से, उसे हर हाल में भारत में मिलना ही चाहिए। यही भारतीय जनभावना भी है। भाजपा सरकार ने अगर ये कर दिया तो वो 2024 का चुनाव भी जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। भविष्य में उसका इतिहास में नाम सम्मान के साथ लिया भी जाएगा। रंदा कवि राजन प्रसाद रंचक की इन काव्य पंक्तियों से भारतवासियों में देश प्रेम की भावना जगाता है। वतन पे आँच आए ये गंवारा हो नहीं सकता, वतन पे आँच आए गंवारा हो नहीं सकता, जो दुश्मन देश का है वो हमारा हो नहीं सकता। जला करते हैं रंचक जिनके दिल में दीप नफरत के, गमों से ऐसे लोगों का किनारा हो नहीं सकता। अंधेरों से हुए पैदा जो नफरत के घराने हैं, अंधेरों से हुए पैदा जो नफरत के घराने हैं, जलाकर ज्ञान के दीपक इन्हें जड़ से मिटाने हैं। मैं पूजा पाठ में भी सोचता रहता हूँ ये रंचक, इबादत में हमें यारों वतन के गीत गाने हैं, वतन के गीत गाने। बिल्कुल, इबादत में हमें यारों वतन के गीत गाने हैं। तो जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि पीओके हमारा है, तो रंदा का कहना है कि आप पीओके हमारा कहिए मत, उसको अपना बनाइए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपकी सरकार 2024 फिर से बनेगी और आप बहुमत पाएंगे। यानी कि अगर आपको सरकार बनानी है तो पीओके के जैसे नारे मत लगाइए और उसको, यानी कि पीओके को जो है वो आप अपना बना कर रहिए। फिलहाल अगली खबर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या से नाराज छत्री समाज के लोगों में पनपा आक्रोश, श्रद्धांजलि सभा कर सौंपा डीएम को ज्ञापन। अब सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। गोगा मेड़ी जैसे बब्बर शेर का शिकार गिरडों ने छल के साथ किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गोगा मेड़ी के हत्यारों को भी समझ लेना चाहिए कि जिस छत्री बब्बर शेर को छल से मारा है उस समाज के लोग ही नहीं अपितु सर्व समाज के लोग आक्रोशित हैं। अगर राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी तो ये राजपूत समाज उन गिरडों को ढूंढकर स्वयं सजा देगा। श्री राजपूत करणी सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेढी की हत्या से पूरे देश का छत्तीस समाज आक्रोशित है। इस बात को राजस्थान के जनप्रतिनिधि व पुलिस प्रशासन के लोग समझ रहे हैं। जो जन सैलाब गोगा मेढी की हत्या के बाद आक्रोशित होकर राजस्थान ही नहीं अपने देश के अधिकांश राज्यों में सड़कों पर उतरा, छत्तीस समाज को कानून व्यवस्था पर विश्वास है, इसलिए अभी संयम का परिचय दे रहा है। अगर उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए तो स्वयं छत्तीस समाज हत्यारों को ढूंढकर अपने तरीके से उन्हें सजा देगा, फिर किसी का कोई इसमें दोष न दे। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि छत्तीस समाज के लोगों में एक विशेषता ये होती है कि वो अपनी दुश्मनी को सात पीढ़ी तक नहीं भूलते। जब उन्हें मौका मिलता है दुश्मनों को धूल चटा ही देते। इतिहास गवाह है कि छत्तीस समाज ने देश व समाज की रक्षा तथा सम्मान सम्मान के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने में भी पीछे नहीं रहे। इसलिए गोगा मेढी के हत्यारों को भी अपने दिन गिन लें कि या तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अदालत से फांसी दिलवाएगी या फिर राजपूत अपने तरीके से हत्यारों को हने को हने पाप ना गने की कहावत के तर्ज पर सजा देगी। उनकी मौत को देखकर उनके घर परिवार की सात पीढ़ियां ये कहकर जाएंगी कि किसी से भी पंगा लेना लेकिन छत्तीस समाज से नहीं। गोगा मेढी की हत्या पर छत्तीस नेता सुनील सिंह गौर एडवोकेट श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व अखिल भारतीय छत्तीस महासभा के पदाधिकारियों सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने राजपथ से हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कराए जाने व गोगा मेढी तथा अन्य छत्तीस नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। कुछ सिरफिरे लोग गोगा मेढी की हत्या की आड़ लेकर छत्तीस समाज के ऊपर छींटा कसी कर रहे। ऐसे लोगों से अपील है कि वो जख्म पर नमक न छिड़के, नहीं तो छत्तीस समाज अगर अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा पर आ गया तो तुम्हारा घर से निकलना भी दूभर हो जाएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि सबसे कठिन जाति अपमाना। छत्तीस समाज हमेशा सर्व समाज को लेकर चला है, इसलिए इस घटना पर सभी जात धर्म के लोग दुखी हैं। रंदा गोगा मेढी को श्रद्धा सुमन डॉक्टर सुभद्रा कुंवरी चौहान की इन काव्य पंक्तियों से अर्पित करता है। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती हो जाती है भस्म यथा सोने से। मूल्यवती हो जाती है भस्म यथा सोने से। तो जिस तरह से गोगा मेढी की हत्या की गई है तो रंदा कहता है कि ऐसे बब्बर शेर को गीदड़ों ने मारा है, लेकिन अगर राजस्थान की पुलिस उन गीदड़ों को नहीं पकड़ती है, नहीं गिरफ्तार करती है, जो छत्तीस समाज जो है वो आगे आएगा और उन्हें सजा जरूर देगा, ऐसी सजा देगा जिसकी सात पीढ़ियां आगे तक देखेंगी। फिलहाल कैसा लगा रंदा कार्यक्रम आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तक अगर आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया आई इंडिया को तो YouTube पर जाएं और आई इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और हाँ Facebook पर भी अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो आई इंडिया को Facebook पर जाके फॉलो करें, Instagram पर भी फॉलो करें, X अकाउंट पर भी आई इंडिया आपका अपना पसंदीदा चैनल X पर भी है तो उसे भी वहाँ पर लाइक करें और फॉलो करें। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।